मैं अमिताभ दुबे, ग्रीन आर्मी का फाउंडर। आज पर्यावरण दिवस के दिन में मैं पूरे रायपुर वासियों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, ग्रीन आर्मी क्या है, ग्रीन आर्मी कैसे बनी, ग्रीन आर्मी का ऑब्जेक्ट क्या है, इन चीज़ों को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ग्रीन आर्मी कोई एक संगठन नहीं है। ग्रीन आर्मी एक विचार है कि जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, उस व्यक्ति का मां धरती पर एक कर्ज है कि वो पेड़ के लिए काम करे, वो पानी के लिए काम करे, वो हवा के लिए काम करे और वो मिट्टी के लिए काम करे। उस कर्ज को पूरा करने के लिए, अपने मां धरती के प्रति फर्ज को पूरा करने के लिए जब हम काम करते हैं, तो यही काम हमारा कहलाता है ग्रीन आर्मी का काम, और यही हमारे ग्रीन आर्मी का काम है। दोस्तों, विगत कई सालों से हम देख रहे थे कि पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो संरक्षित नहीं हो पाते। इस पूरे वृक्षारोपण के फील्ड में एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, पूरे सरकारी तंत्र, सारे लोग, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर, जनता, सामाजिक संगठन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी इस काम में लगे हैं कि पेड़ लगने चाहिए। सब में कहीं इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो तकरीबन केवल 20-25% वृक्ष ही लग पाते हैं, बाकी वृक्ष नहीं सर्वाइव कर पाते, नहीं लग पाते। ग्रीन आर्मी ने इन चीजों को देखा और ग्रीन डीज को करने के लिए आर्मी की तरह काम करने की जरूरत को महसूस किया। इन्हीं बातों को लेकर हमने एक फार्मूला निकाला और उस फार्मूले के तहत आज 80% से भी ज्यादा पेड़ हमारे जिंदा रहते हैं, वो पेड़ मरते नहीं है, उस पेड़ का पूरा संरक्षण होता है। इस फार्मूले को लेकर ग्रीन आर्मी आज सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही है। जिस तरह से आर्मी का एक मिशन होता है, एक लक्ष्य होता है और उस कामों को पूरी ताकत से पूरी करती है, ग्रीन आर्मी भी हर साल अपना एक लक्ष्य बनाती है। और हमारा ओवरऑल लक्ष्य है कि 11 साल के अंदर में रायपुर शहर की पहचान एक ग्रीन सिटी के रूप में पहचान बनाना, 11 साल के अंदर में रायपुर को ग्रीन सिटी की पहचान दिलाना। इस तरह से हम लगातार काम करते जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में पूरे ग्रीन आर्मी के कामों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ग्रीन विंग, जिसमें वृक्षारोपण और संरक्षण। दूसरा है ब्लू विंग, जिसमें जल संरक्षण में हम काम करते हैं। तीसरा है व्हाइट विंग, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए हम काम करते हैं। और चौथा है ब्राउन विंग, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए हम काम करते हैं। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति कोई काम करता है तो शायद वो एकाकी प्रयास कुछ कम होता है, हालांकि मनुष्य की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब वो संगठित रूप से काम करता है, जब हम लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, जब मैं और मेरा की भावना से, हम और हमारे की भावना से काम करते हैं, तो संगठन की शक्ति बहुत जोरदार ढंग से काम करती है। इसी शक्ति को लेकर हमने ग्रीन आर्मी संगठन की रचना करी और आज रायपुर शहर को 15 जोन में बांटा है। मैं फिर से बता दूं, 15 जोन, और उस जोन के अंदर में 121 वार्ड से जुड़ चुके हैं। साथियों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सब, हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस पर्यावरण के लिए हम कुछ कर पाएंगे। ज्वाइन ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी की तरफ से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं कि आइए दोस्तों, हम सब मिलकर काम करें, तभी हम सब मिलकर एक रिजल्ट दे पाएंगे, कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय ग्रीन आर्मी।